एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक श्री विनोद गुप्ता पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच मिसिस सुनीता गुप्ता, नेहा बांसल, मुनीश बांसल, वरुण गुप्ता, अचरा गुप्ता, कश्यप गुप्ता, कशिश गुप्ता, भूमिका बांसल, परदूमन गुप्ता, कृदा गुप्ता अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों नव दुर्गा मंदिर सराबा नगर लुधियाणा विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे जानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री विनोद गुप्ता जी दा जन्म पिता श्री रमेश्वर दास गुप्ता जी दे घर माता श्रीमती दयावंती जी दी कुखों लुधियाणा विखे 12 सितंबर 1957 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगट सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कीती, उपरंत आप जी ने हौसले विच अपनी नौकरी दी शुरुआत कीती। सन 1978 विच आप जी ने अपना हौसले दा बिजनेस गुप्ता सन्स इंटरनेशनल दे नाम अधीन शुरू कीता। श्री विनोद गुप्ता जी बहुत ही उच्च संस्कारां दे धारनी इंसान सन। आप जी दा व्याह मिसिस सुनीता गुप्ता जी हुणा नाल होया। ब्याह उपरंत आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटी नेहा अते बेटे वरुण गुप्ता अते कश्यप गुप्ता ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आप जी दे नक्शे कदमां ते चल के आप जी दे नाम नूं चार चांद लगा रहे हन। श्री विनोद गुप्ता जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। श्री विनोद गुप्ता जी बहुत ही मिठी बोली अते मेलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्री विनोद गुप्ता जी दी फुलवाड़ी भूमिका बंसल, परदूमन गुप्ता अते कृदा गुप्ता नाल महक रही है।
उसके लिए क्या किया जाए। जरूर कह रहे हैं कि जहां हम मरेंगे वह धरती पवित्र भी हो सकती है, वह धरती अपवित्र भी हो सकती है। धरती कहीं बंजर है, कहीं उपजाऊ है। हर जीव कहां निवास करना चाहता है? जो धरती उपजाऊ होती है वही निवास करना चाहता है। बंजर भूमि में कोई निवास नहीं करना चाहता। इसलिए गरुड़ कह रहे हैं कि भगवान अंत काल सुधर जाए इसके लिए क्या करना चाहिए। तो नारायण कह रहे हैं कि जहां भी बैठो वहां राम राम भजो। जिस जगह बैठ करके तुमने राम राम भजा होगा उस जगह पर अगर तुम्हारे प्राण निकलते हैं तो निसंदेह तुम्हारी मुक्ति हो ही जाएगी, क्योंकि तुमने उस स्थान को राम नाम से शुद्ध किया है, कृष्ण के नाम से शुद्ध किया है, माता के नाम से शुद्ध किया है। इसलिए राम राम भजो। जहां भी जाओ, शत्रु के घर में भी बैठो वहां भी राम भजो, युद्ध क्षेत्र में जाओ वहां भी राम भजो, अपने कार्य करने के स्थान पर जाओ जहां भी जाओ वहां राम को भजो। तो इस प्रकार गरुड़ जी एक एक करके पूछते जा रहे हैं, जो सर्प के डसने से मर गया किस दोष से मरा, जो मां के गर्भ से तीसरे चौथे महीने में ही गर्भ से बाहर आ गया वो किस दोष के कारण गर्भ से बाहर आया, जो आठवें महीने में मां के गर्भ से गिर गया वो किस दोष के कारण गर्भ से गिर गया, पैदा होते ही जिसे मरना पड़ा वो किस दोष के कारण मरना पड़ा, 5 वर्ष 10 वर्ष की आयु में किस दोष के कारण मरना पड़ा। सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए नारायण कह रहे हैं ये विधि का विधान है गरुड़, इसे टाला नहीं जा सकता, मृत्यु को कभी टाला नहीं जा सकता। मैं स्वयं जब अवतार लेकर के इस धरा पर आता हूं मुझे इस लोक से विदा होना होता है, कोई ना कोई बहाना बनता है, बहाने से ही मौत आती है। कि सुबह सुबह तो ठीक थे, हमारे साथ बात भी कर रहे थे, अचानक एक आया कि जब दोबारा से देखने गए तो हमारे पिताजी श्वास छोड़ चुके थे। विधि के विधान के अनुसार संसार में आना और जाना हर जीव का लगा रहता है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। कवित जंब फल चाहे कल्याण
से हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हम सब के अपने जो कल तक अपने परिवार, अपने बच्चों और सबसे बड़ी पीड़ा का कारण अभी आयु थी नहीं, विनोद गुप्ता जी जिनका नाम ही विनोद था, सुपुत्र स्वर्गीय रामेश्वर दास जी गुप्ता सांसारिक दृष्टि से अभी आयु तो नहीं थी, और उससे भी बड़ी बात एक मां के बैठे हुए उसकी आंखों के सामने पुत्र का चले जाना, ये कलिकाल के अंदर एक बहुत बड़े दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है। क्योंकि जाने वाला जीव एक जाता है लेकिन स्थान कितने रिक्त हो जाते हैं। धर्म पत्नी है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटी है, दामाद है, जीव एक गया, भाई बंधु स्थान कितने रिक्त हो गए। बहुत मुश्किल है, बोलना बड़ा आसान है लेकिन सहना बड़ा मुश्किल है। आज बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, एक जीवन साथी के लिए, क्योंकि जीवन की गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी हमेशा दो पहियों के सहारे चलती है, एक पहिए के सहारे जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन बात वही है, पुराण में भी पूज्य पंडित जी महाराज जी ने बड़ी विधि विधान से कथा परिवार को सुनाई कि जो विदना ने, जो विधाता ने किसी जीव के भाग्य में लिख दिया, दुनिया की कोई ताकत आपका भाग्य नहीं बदल सकती। इन्हीं सभी विचारों को लेकर आज इस श्रद्धांजलि सभा में परिवार के लिए सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो आइए जितनी भी संगत बैठी है, आओ ईश्वर के चरणों में जुड़ जाएं, परमात्मा से प्रार्थना करें। आदरणीय विनोद गुप्ता जी जो आज हमारे बीच में शारीरिक रूप में विराजमान नहीं है, उनकी आत्मिक शांति के लिए आओ सभी मिलकर प्रार्थना करें। सभी ने राम नाम रूपी कीर्तन करना है, राम नाम रूपी सत्संग करना है, क्योंकि स्वयं भी वो सेवक थे सिद्ध पीठ के और निरंतर सत्संग से जुड़े रहे, परमात्मा से, ईश्वर से जुड़े रहे सिद्ध पीठ नंदी स्वामी महाराज जी के चरणों में। तो आओ सभी मिलकर प्रार्थना करें। नंदी स्वामी महाराज जी, परमात्मा विनोद जी को अपने चरणों का स्थान दे, और पीछे जितना भी उनका परिवार है, परमात्मा परिवार पर अपना वर्ण हाथ बना के रखे। Oh,
जब इस संसार का त्याग करके जाता है, अब वो अपने मन में सोचता क्या है कि आज सारे संगीत साथी छड़ी जाना विदाई होती है तो मन ही मन में अपने मन में कुछ विचार लेकर जाता है वो, और विचार कर रहा है कि आज सारे संगीत साथी छड़ी जानावा जिंदे विच जहां तुम चले गए
Thank you.
जी का, उनके पुत्र वरुण जी, कश्यप गुप्ता जी, पुत्र हैं अर्चना गुप्ता, कशिश गुप्ता, बेटी नेहा बांसल, मनीष बांसल और परिवार। आज पिताजी को याद करते हुए बच्चे, क्योंकि वरुण जी बशर को जब भी बचपन की याद आएगी, बशर को जब भी बचपन की याद आएगी, माँ का प्यार और पिता की मेहरबानियां नजर आएगी, बाप का प्यार दिखाई नहीं देता, क्षमा करना, माँ का प्यार दिखाई देता है। माँ तो मात्र केवल 9 महीने ही गर्भ में अपनी औलाद को पालती है। माँ के बारे में बहुत कुछ कहा गया, माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, पिता के बारे में कम लिखा गया, पिता के बारे में कम बोला गया, क्योंकि पिता ही है जो चलता फिरता प्रशासन है। अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए माँ ने तो केवल 9 महीने अपने गर्भ में अपनी संतान को पाला, लेकिन बाप जब तक जिंदा रहता है अपनी औलाद को अपने दिमाग में पालता है। 80-82 के अंदर बिजनेस की शुरुआत की, अपने जीवन में कड़ी मेहनत करके आदरणीय विनोद जी ने अपने दोनों ही बच्चों को, अपनी बेटी को नेक संस्कारों से सुसज्जित किया। अच्छे खानदान की बेटियां पुत्र वधू बनकर घर में आ गई, अच्छे खानदान में बेटी का विवाह हो गया। पर अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो अभी समय नहीं था। आज सारा परिवार, बच्चे अपने पिता से यही कह रहे हैं, सिखलाया आपने ही जीने का
उनकी तरफ से शोक संदेश आया है। लुधियाना वूलन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। श्री हरगेश मित्तल जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। मार्केट कमेटी लुधियाना न्यू सब्जी मंडी, श्री दर्शनलाल बवेजा जी खुद भी आए हुए हैं, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। श्री नव दुर्गा मंदिर, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। श्री ज्ञान स्थल मंदिर, शिवपुरी होजरी एसोसिएशन अनिल हांडा जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। बाल गोपाल गौशाला दर्शनलाल गोविंदा रेड्डू जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। पंजाब केसरी श्री विजय चोपड़ा जी, उनकी तरफ से भी भूपेश जैन जी, वो भी शोक संदेश लेकर आए हैं। ये परिवार, अगर किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा चाहूँगा, ये परिवार गुप्ता परिवार आप सभी लोगों का बहुत आभारी है। आइए वरुण जी गरुड़ प्राण की पूजा करें। अब आइए आरती होगी। आरती से पहले बिल्कुल सीधे बैठते हुए सारी संगत से प्रार्थना है, केवल एक मिनट के लिए उस जीवात्मा के लिए मौन श्रद्धांजलि। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो पावे फल पावे दुख बिन से बनता स्वामी, दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे, बंसरी वाला घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर करता स्वामी, तुम रक्षा करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति